दोस्तों बेड में मैं आ चुकी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। और मैं आपको बता दूँ कि एक सेकेंड मैं आपको बता दूं, ये इसने, जैसे मैंने आप लोगों को धीरे से बोला ना, इसने वहां से देख लिया कि क्या है। ये शाम से मेरे साथ है। दिस आदमी इज नॉट कंसर्न एट ऑल अबाउट जोरन। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले देख लीजिए कमेंट ऑफ द डे और अब शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। मेरी बेबी ने सुबह मेरे लिए ट्रे सजाई अच्छी सी, जिसमें प्यारी प्यारी कुकीज हैं, कुछ नमकीन चपटी, क्या है पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है। ये है मेरा आज का माल मसाला, दो कुकीज, हेल्दी कुकीज है, ये भी हेल्दी है, और इसके साथ में मेरी एक कॉफी, और मेरा बेबी पिएगा लिंबू चाय। क्या पिएगा? गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। 8 बज गए हैं सुबह के और मैं उठी हूं। और किसने उठाया मुझे? हाय, ये रहा वो छिंटू, मम्मा को। सबसे तगड़ा अलार्म यही है घर का, पता है? बहुत प्यारी है यार, बहुत प्यारी है। ये देखो, नजर देखो कुकीज पे, देख रही कोई नया सामान आया है आज, मिलेगा कि नहीं? मेरी भी जो आ जाए, ग्रीन टी तो बनाऊँ क्या? ग्रीन टी पी रही हो? लींबू चाय नहीं पी रही? लींबू चाय पी लो, बल्ब जला देता हूँ, वहाँ पत्थरों के पास बैठ जाते हैं, खड्डा भी है वहाँ पे। तो और क्या होता है, खड्डा ही तो होता है। गड्ढा कहाँ है तुम्हारी? वो ये हाथी मग्गा नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को अच्छा मग चाहिए, अपना फेवरेट मग। में मुझे क्यों कॉफी देती हो यार? मैंने लाई, अमिता भैया को दूसरा कप दे दे। और देखिए सुबह सुबह का माहौल, बॉम्बे में भी हल्का हल्का फॉग होना शुरू हो गया है, बहुत ही नाके बराबर, आपको तो कैमरे में दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन हमें समझ में आ रहा है, हल्की सी जो ठंड होती है एकदम नाक के बराबर, बॉम्बे में कितनी ठंड पड़ती है। जरा कॉफी और कुकी खा लूं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो जी, चेहरों को दवाई दी जा रही है सुबह सुबह। ये कौन सी, किस चीज की दवाई है? पेन किलर वगैरह। इसको दूर करो, ये खा जाएगी इसकी दवाई। देखो दांत ही पीस लिए अपने। किसने? चेरी ने? ओहो यार, इतनी दवाई जा रही है इसको बेचारी को, अभी क्या करें बेबी, उसकी भी एज है, सब है। गजब दवाई देती हो यार, गिरती नहीं इधर उधर। तो जी मैं रेडी हो गई हूँ एकदम, ये देख लो पूजा हो गई है मेरी। अब अविनाश जी का वेट हो रहा है, अविनाश कर रहे हैं वीडियो अपलोड, और जैसे ही हो जाता है उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जा रहे हैं। अमिता कुछ बना तो नहीं रही ना? हाँ, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट बाहर ही करके आएंगे, उसके बाद बाहर से बाहर में निकल जाऊंगी। तो अभी मालूम नहीं, वर्कर्स का तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे लगता नहीं आएंगे, धोखा दे गए हैं। तो अगर अब ऐसा हुआ आज भी नहीं आते हैं, तो मैं समझ जाऊंगी कि वो नहीं आने वाले हैं, और फिर मैं किसी और से कोऑर्डिनेट करूंगी ताकि बाकी का काम मैं कंप्लीट कराऊं। एनीवे, अब धोखे तो देखो जिंदगी में चलते ही हैं, होते ही हैं, लोग करते हैं आपके साथ, क्या करोगे आप उन चीज़ों का? रोते तो नहीं रहोगे इस बात पे? क्या ही करूँ, अविनाश का कम्प्लीट नहीं हुआ रूम, इस बात की मुझे बहुत वो है, खुशी है। नहीं, इस बात की मुझे, जब की शब्द आ गया तो खुशी है ना, इस बात का मुझे तो दुख है, दुख है, आपने की यूज किया, दुख है, दुख है। दोस्तों फिर से जीवन में खुश नसीब दिन आया है जिस दिन बाहर नाश्ता करने जा रहे हैं, मेरी फेवरेट चीज, मुझे बाहर नाश्ता करना सुबह सुबह बहुत पसंद है। मे भी वहाँ चलना है जो उस दिन तुम जहाँ कॉफी पिलाने ले गए थे मुझे, आज थोड़ा चेंज करना है, यू वांट टू गो देयर एंड आस्क, यहाँ पे जो पीछे था। हाँ ठीक है, वहाँ चले। वहाँ ब्रेकफास्ट नहीं है, है बहुत कुछ है, तो मीठा ब्रेकफास्ट है। गाड़ी ये लेनी है अपनी, वो लेनी है, उसे पेट्रोल भी भरवाना है। आ जाओ आ जाओ, क्या कर रहे हैं? आ जाओ आ जाओ, क्या पेट्रोल भरवाएंगे? तो जी ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए हैं, और ये आ गया है मशरूम चीज ऑमलेट। कैसा है? वेरी नाइस। मेरे लिए क्या मंगाया? यही गोश्त मंगाया मेरे लिए। पुची 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 मम्मा आ गई। मेरी बेबी हो, दवाई खा के इतना चेक रही है, दवाई खा के मम्मा को भुक्की लगी है, मम्मा खाना खा ले। घर आ गई हूँ मैं, और जरा खाना वाना खा लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, बहुत बुरी तरह से भूख लगी हुई है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि मैं नेल्स कराने गई थी, और मैं नेल्स करा के आ गई हूँ, और आज मैं दिखाऊंगी आपको अपने नेल्स। हो सकता है कहीं लोगों को अच्छे ना लगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि आप वो हो जो मुझसे प्यार करते हो। एक सेकेंड, ये देखो, टन 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 टन, पहला देख लो ये नेल, फिर देखो ये, फिर देखो ये नेल दिखा रही हूँ, फिर देखो ये, फिर देखो, अब देखो पूरी तरह से। जरा मैं आपको लाइट में दिखाऊँ, इतने शाइन कर रहे हैं कि आपको क्या ही बताऊँ। ये फालतू की लाइट बंद करी जाए, ये देखो आपको शायद समझ ज्यादा आएगा इसमें। आ रहा है
एंड आई एम सुपर हैप्पी विद माय नेल्स। बाय द वे अविनाश ने नहीं देखे हैं, अविनाश है भी नहीं घर पे, मेरा दोस्त आया हुआ है और वो दोस्त को मैंने फोन पकड़ा दिया सो दैट मैं अपने नेल्स प्रॉपर आपको दिखा पाऊं। देखो मैं आप लोगों को ना एक और चीज बताना चाहती हूँ, पता नहीं मैं ना कभी कभी थोड़ा सा दिल करता है जब अविनाश घर पे नहीं होता कि चलो कुछ बातें की जाए, बात करते हैं कि यार हम लोगों को ना एक आदमी ही है जो औरत को सपोर्ट करता है, या एक औरत को उसके फादर ही सपोर्ट करते हैं या उनका ब्रदर ही सपोर्ट करता है। मैं एक बात जानना चाहती हूँ आपसे, क्या कोई औरत ऐसी नहीं होती जिसको एक औरत भी सपोर्ट करे? आई मीन हम लोगों में बहुत देखा है मैंने कि औरत ही औरत को काटती है, या फिर हम लोग सास बहू वाले सीरियल देखते हैं जहाँ पे सास ने बहू को ये कर दिया, ठन टन बहू ने सास के साथ ये कर दिया। सो ये सीरियल्स में यही क्यों दिखाया जाता है? ये प्यार भी तो दिखाया जा सकता है ये। और मैं ना अपने व्लॉग्स के जरिए मैं ये चीज को बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे की तरह प्रमोट करूंगी कि आप चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या एक नॉर्मल औरत हो, या कोई भी घरेलू औरत हो, या काम करने वाली महिला हो, हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि शब्दों के वार करने चाहिए। या कहते हैं ना जो एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, क्यों होती है? क्योंकि हम एक तो हमें बनाया गया है, हम लोगों को शुरू से हमारे कानों में बात डाली गई है, लेकिन कोई बात नहीं, वो शुरू से आप लोगों के कान में बात डाली गई है। अब तो आप बड़े हो चुके हो ना, अब तो वो बात आप समझ सकते हो ना, मतलब जरूरी तो नहीं है कि आपने वो चीज हमें बचपन से बताई थी अब हम लोग बुढ़ापे तक वही करते जाएंगे। नहीं, अब आपको सेंस है, पहले आपने जो भी किया हो लेकिन आज आपको सेंस है। मैं अमिता की बात करती हूँ, वो भी एक औरत है। दीदी की बात करती हूँ, वो भी एक औरत है। मैं बहुत प्यार से रहती हूँ, शायद बातें मुझे पहले नहीं समझ में आती थी लेकिन बहुत बाद में समझ में आने लगी, लेकिन जब भी आई वो चीज मैंने अपनी जिंदगी पे उसको इम्प्लीमेंट किया। तो वो बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को समझो, और मोर देन आदमी एक औरत का सपोर्ट करे, औरत का सपोर्ट करे, वो बहुत जरूरी है। आई वॉन्ट टू से इन दिस वीडियो दैट गर्ल लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप लोग मुझसे अग्री करते हो तो प्लीज कॉमेंट्स में जरूर बताना। हो सकता है ये टॉपिक में मैं एक डिटेल वीडियो बनाती है, लेकिन मेरे को लगा कि एक दिल की बात है तो फटाफट निकाल देती हूँ। चलो दोस्तों आ जाओ, दोबारा से हो गई है शुरू कि मेरे साथ मम्मा रात शाम को लेके जाएगी, शाम को लेके जाएगी, अभी घूमी घूमी मम्मा को दिल खराब हो जाता है तेरा, बिल्कुल इतना ब्लैकमेलिंग नहीं, चेहरे इतना ब्लैकमेलिंग नहीं मेरे बच्चे, जब घूमी घूमी करके आएगी जब बाबा मेरे में और चेरी में कोई अंतर नहीं है वैसे, मुझे भी अविनाश जैसे ही धक्का मार के भेजता है। अरे काम करने दे मम्मी को। तो जी घर से निकल के मैं अपने बेबी को मिल गई हूँ रास्ते में, और हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट काम आपके सामने जल्दी आएगा। वो इम्पोर्टेंट काम ये है कि हम लोग अपने ब्लॉगिंग कोर्स के लिए जा रहे हैं, जो कि ब्लॉगिंग कोर्स हमारा, उस पे और मेहनत करनी है, और लोगों से मिल रहे हैं, और क्या क्या किया जा सकता है, मतलब बेसिकली ब्लॉगिंग कोर्स पे काम चल रहा है। मैं बार बार और क्या हो सकता है और कैसे, ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको रिवील नहीं कर सकता क्या क्या है उसमें, लेकिन उसके लिए बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। और आप लोगों को इतना बता सकती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत लोगों को बहुत कुछ शायद सीखने के लिए मिल जाए, और जल्दी जब हम वो ब्लॉगिंग कोर्स जिस दिन रिकॉर्ड कर रहे होंगे, शूट कर रहे होंगे, उसका व्लॉग भी आपके सामने आएगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो कैसे कैसे बनाया गया है। धन्यवाद दोस्तों। तो जी मैं लिफ्ट में हूँ, घर पे पहुंच गई हूँ, अविनाश तो अभी भी नीचे ही है क्योंकि वो कुछ इम्पोर्टेंट कॉल पे है, और पता नहीं यार पता कितने टाइम कितना बज गया है, 9:45, और मेरे बच्चे ऐसे रो रहे होंगे ना अभी, मेरे को भी नीचे लेके जाना था उनको, वो भी लेके गई, सबको वादा करके आई थी, वादा टूट गया। और आपको ना एक और मैं बात बताती हूँ, अभी तक मुझे अविनाश मिल चुका है, अभी तक अविनाश ने मेरे नेल्स नहीं देखे हैं, उसको कोई परवाह नहीं है ये क्या करा के आई, क्या नहीं करा के आई, देखना आपके सामने पूछूंगी। दोस्तों बेड में मैं आ चुकी हूँ जैसे कि आप देख सकते हो, और मैं आपको बता दूं कि एक सेकेंड आदमी बेबी जरा नेल्स दिखाओ। यस शट अप बदतमीज, के नेल्स कैसे बने हैं? मेरे भी नेल्स दिखाएगा, मुक्का दिखाएगा। मैं आपको बता दूं, ये इसने जैसे मैंने आप लोगों को धीरे से बोला ना, इसने वहां से देख लिया कि क्या है, ये शाम से मेरे साथ है, काम खत्म करा, मीटिंग खत्म करी, इससे एक बार मुझे नहीं, इससे मालूम पड़ता है कि कितना ही आपको प्यार है। जिसने बीवी के नेल्स तक नहीं देखे, पूछा तक नहीं कि बीवी इतनी देर से गई हुई थी, नेल्स कराने के लिए गई थी, उसके बाद मैं इसको घर पे नहीं मिली, ये नहीं था घर पे, फिर फाइनली मीटिंग के, इसकी मीटिंग के बाद मैं इसको बार मिली हूँ, लेकिन इसने एक बार नहीं पूछा। दैट मीन्स दिस आदमी इज नॉट कंसर्न एट ऑल अबाउट
बताओ किस औरत। लेकिन देखो देखो कंसर्न किस चीज से पता चलता है, मैंने तुमसे पूछा आज, बताया तुमको कि तुम कितनी पतली लग रही हो, कितनी बार बताया? मेरे को पतली लगने से मोटे लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसर्न इज ऑल अबाउट हेल्थ, उस पे ज्यादा ध्यान था। मैंने तुमसे पूछा तुम्हें रात को एलर्जी किस चीज की हुई थी, पूछा था ना? महा झूठा। और मैंने दवाई दी आदमी, दवाई किसने मंगाई तुम्हारे लिए? संसार पापा का बेटा। तुमने एक बार भी नहीं पूछा? अच्छा दिखाओ दिखाओ ना, नेल्स करा के आए। दिखाओ दिखाओ, मेरे को पता है तुम्हारे नेल्स बहुत अच्छे बने हैं और रंग बिरंगे हैं, इतना भी नोटिस किया मैंने। अलग अलग रंग के नेल्स हैं इस बार तुम्हारे, देखा क्या बोला था मैंने? अरे तुम्हारी बेबी की नजर, चीते की चाल, बाज के पंख, चिड़िया की चोंच पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इसकी थीम क्या है ये तो बताओ मेरे को। थीम कुछ नहीं है, जैसे तुम समर विंटर ऐसा रेंज, रेंज के हिसाब से स्टोन वर्क दिस टाइम, थोड़ा सा ग्लिटर भी करना था, थोड़ा डिफरेंट नेल्स करने थे मेरे को, तो ये जब मेरे को मैंने देखा तो मैंने कहा ये कर दो, उसमें फिर एड ऑन करने लग गए हम लोग। मैं कहा लेट मी डू समथिंग डिफरेंट यार, वही सेम सेम सेम। कैसे लगा मुझे? देखो पर्सनली मुझे कलर्स ज्यादा बहुत अच्छे लगते हैं, मैं क्योंकि मैं खुद नहीं पहन पाता हूँ, मैं ज्यादा कलर्स पहनता हूँ तो अच्छे नहीं लगते मेरे ऊपर, इसलिए लोगों के ऊपर मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो कलरफुल तुमने कराया है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर ये सटल होता तो इसको अभी तक कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं बोला, इसके आगे कुछ नहीं पता था, ये और कुछ सोच रहा, अपना काम सोच रहा था, ये अपना काम सोच रहा था। चल आदमी चल, बहुत अच्छे हैं नेल्स, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं नेल्स। बस तो दोस्तों आपको मिलते हैं हम लोग कल के व्लॉग में, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। आपको कल इसलिए मिलते हैं क्योंकि अब यहाँ होगा घमासान, अब यहाँ होगा युद्ध, अब यहाँ होगा कपड़ा फाड़ता प्रतियोगिता, अब यहाँ होगा मुंह नोचित प्रतियोगिता, अब यहाँ होगा घूसा मारी प्रतियोगिता, और उसमें जीतेगा कौन? मेरा बेबी। चलो दोस्तों कल मिलती हूँ आपको।